नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल और स्वस्थ होंगे। और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें जानेंगे शिव पूजा से जुड़े चार जरूरी नियम जिनकी अनदेखी अक्सर इंसान को पुण्य की बजाय पाप का भागीदार बना देती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं शिव पूजा से जुड़े चार जरूरी नियम। पहला, जिस तरह सही दिशा में काम करने पर शीघ्र ही सफलता मिलती है, उसी तरह सही दिशा में देवों के देव महादेव की पूजा करने पर शीघ्र ही सफल होती है और शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा, भगवान शिव की पूजा या अभिषेक बगैर गंगा जल के अधूरा माना जाता है, इसलिए पुण्य फल की प्राप्ति के लिए भगवान शिव को दूध और गंगा जल अवश्य चढ़ाएं। तीसरा, रुद्राक्ष के बीज के बारे में मान्यता है कि वह भगवान शिव के आंसुओं से बना है और वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसे में शिव पूजन के दौरान उनके किसी भी मंत्र का जप हमेशा रुद्राक्ष की माला से करें, लेकिन ध्यान रहे कि गले में पहनी हुई माला से या फिर किसी दूसरे की माला से जप भूल कर भी ना करें। चौथा, भगवान शिव की पूजा करते समय कभी भी उनकी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव पूजा में शिवलिंग की जलहरी को डांटना मना है। ऐसे में शिव साधक को आधे रास्ते से वापस लौटकर अपनी प्रदक्षिणा पूरी करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।